मामी की बात करो ना. दिस इज नॉट द फोरम फॉर ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. इफ आई एम डूइंग वन ऑन वन विद यू, इफ यू गिव मी टाइम फॉर दिस, देन आई कैन स्पीक टू यू ऑन दैट. अब मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ समझोगे, कुछ लिखोगे, कोई और कुछ उठा लेगा. व्हाई यू वांट टू डू ऑल दैट स्टफ? व्हाई डू यू वांट मी टू स्पॉन्सर योर चैनल एंड स्टफ? लेट इट बी ना. थोड़ा सा ये डल फेस चलने दो थोड़ा सा. आई विल गिव यू दैट मौका आगे फिर से. बट राइट नाउ जस्ट गो थ्रू द डल फेस राइट नाउ. सलमान, आपको ये नहीं लगता कि बातचीत से भी सुलझाई जा सकती थी, लेकिन ये बात तो मैंने तो शुरू नहीं की. मुझे ये बात अच्छी लगती है कि ये जो स्टैंड लिया है, अच्छा हो बुरा हो, फायदा हो नुकसान हो, एक स्टैंड लिया है. और मैं तो चाहता हूं कि ये स्टैंड कंटिन्यू रखे. ये इतना कंटिन्यू रखे कि मुझे वो अपने घुटनों पे लेके आए, मुझसे माफी मंगवाए और बोले कि मैं बोलूं उनसे कि यार ये मेरा प्लीज करियर बर्बाद मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ, यार मेरे साथ जुल्म मत करो, मुझसे गलती होगी, मुझसे माफी मंगवाए. दिस इज वॉट आई वॉन्ट देम टू डू. जो फ्यू लोग हैं, इससे नुकसान मेरा बहुत होगा, क्योंकि मेरे 3, 4, 5, 6, 8, 10 दोस्त हैं वो आएंगे, जो कि ठीक ठाक फोटोग्राफर्स हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचेंगे, वो तस्वीरें आपको मिल जाएंगी फोटोशॉप वगैरह करके. स्टार, एक स्टार की क्या क्या क्वालिटी होती है कि अच्छी अच्छी तस्वीरें छपें, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स छपें. उससे ये होगा कि ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, और जब फैन फॉलोइंग बढ़ेगी तो ये सब शोर शराबा हंगामा बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट वो मैं झेल लूँगा. सलमान, लेकिन हमें सिद्धार्थ और आप दोनों से जानना चाहेंगे कि और अपने मेंबर्स ऑफ द मीडिया के कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें हमारा कुछ है नहीं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये बदतमीजी हुई है. अब हम वहां पर गए, पीआर टीम ने आपको बुलाया, आपने वहां पर रिएक्ट किया, आप क्लोज आते गए. बॉडीगार्ड का, वो मेरे भी बॉडीगार्ड नहीं थे, वो रॉयल्टी के बाउंसर्स थे. अब उनके बीच के झगड़े के अंदर आपको मुझसे क्यों पब्लिसिटी चाहिए? और चाहिए तो ले ली आपने पब्लिसिटी. उसके बाद बैन, देखो बैन तो आप कर नहीं सकते, ये आपकी मर्जी है कि आप तस्वीर मत खींचो. जब आप तस्वीर नहीं खींचोगे, यूनिटी होगी, तो मैं आपको इनके सामने ऐसे दिखाई दूंगा, देखा यूनिटी नहीं है, खींच ली तस्वीर, फिर मैं बिना शर्ट के पा जाऊंगा, फिर रेड कार्पेट के ऊपर मैं यू करते हुए मिलूंगा. ये सब इंटरेस्टिंग तस्वीरें नहीं छपेंगी, इसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस है. ऑन अ सीरियस नोट, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको खींचना है खींचो, नहीं खींचना है नहीं खींचो, लेकिन बदतमीजी मत किया करो. तस्वीरें दूर से बहुत अच्छी निकलती हैं. एक प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान की तस्वीर निकली थी, दूर से निकली थी, अच्छी तस्वीर थी, इतने पास आने की जरूरत नहीं है, समझा? एक आदमी ने लिखा है, एक आदमी ने बोला है, दूसरे आदमी बोल रहे हैं, एक जर्नलिस्ट ने लिखा, करेक्ट? वो जर्नलिस्ट बोलते हैं कि इन लोगों ने आके मुझसे कंप्लेन की, इन्होंने आके ये इंटरव्यू दिया. फोटोग्राफर्स बोलते हैं कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं. तो उस जर्नलिस्ट को पकड़ो, और वो जर्नलिस्ट बोलता है कि इसने मुझे बोला है लिखने के लिए, तो उसको पकड़ो. अगर बैन कर सकते हैं आप, तो फिर उसको बैन करो, क्योंकि वो जो फोटोग्राफर है, जो कि हमेशा हर जगह ये स्टार्ट करता है, एक लीडर है उनका, कोई है नाम नहीं पता मुझे.